अंबिकापुर शहर ने बहुत कम समय में कचरा प्रबंधन में कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ स्वच्छता के मामले में अंबिकापुर शहर लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाए हुए है। इस अभियान की शुरुआत 2015 में हुई थी तत्कालीन कलेक्टर ऋतु सेन की अगुवाई में, और ये अभियान लगातार चल रहा है। और इसके लिए अभी वर्तमान में शहर में कुल 21 SLRM सेंटर बनाए गए हैं और 457 स्वच्छता दीदियों के माध्यम से रोज़ कचरा घर घर जाकर कलेक्ट किया जाता है और उसको SLRM सेंटर में लाते हैं जहां इन कचरों की छंटाई होती है। और आपको जानकर बड़ा सुखद लगेगा कि कचरे को बेचकर अब तक 6 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। और इस अभियान के लिए हर घर से प्रति माह की दर से यूजर चार्ज लिया जाता है और बड़ा बढ़िया ये अभियान चल रहा है। तो इस तरह से साल भर में करीब 30 लाख रुपए यूजर चार्ज से मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 6 करोड़ रुपए अभी तक कचरा बेचकर मिला है। इन कचरों को अलग अलग छांटा जाता है, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, और घर में भी हरे रंग के डस्टबिन में गीला कचरा रखते हैं, सूखा कचरा जो होता है वो नीले रंग के डस्टबिन में होता है। रिक्शा में भी दो भाग में इन कचरों को रखा जाता है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। फिर कचरे को ला के स्वच्छता दीदियाँ इनको अलग अलग डब्बे में डालती हैं। सूखा कचरा बाहर चला जाता है, रायपुर भेज देते हैं, और गीला कचरा को स्थानीय स्तर पर ही जैविक खाद के रूप में बनाते हैं और बेचते हैं। तो इससे अब तक 6 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी। किसी भी शहर को साफ रखने में वहाँ के नागरिकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है अंबिकापुर शहर के निवासियों ने। और लगातार हमारा शहर स्वच्छता के नए आयामों को छू रहा है और साल दर साल इसी तरह से हम स्वच्छता को बरकरार रख पाएंगे।